खरगोन जिले के सेगांव में आज यूरिया खाद की किल्लत को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसान आंदोलन होना था, लेकिन प्रशासन और खासकर खरगोन एसडीएम अभिषेक गहलोत से चर्चा के बाद आज आदिम जाति संस्था के 800 बोरी खाद यूरिया आने के बाद कुछ हद तक किसानों की समस्या हल हुई है। इसे लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष धीरज मिश्रा और कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मंडलोई द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। वहीं संस्था प्रबंधक और राठौर ने बताया कि आज हमें 800 बोरी यूरिया खाद प्राप्त हुआ है और कल से किसानों को 5 बोरी यूरिया खाद दिया जाएगा। खाद की कमी को लेकर पिछले दिनों राजेंद्र सिंह मंडलोई जिला अध्यक्ष कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ और धीरज मिश्रा जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार को यूरिया खाद की समस्या से अवगत कराया था। संस्था ने यूरिया खाद आने पर दोनों नेताओं द्वारा प्रशासन का आभारी माना गया है। सेगांव से संजय जसवाल की रिपोर्ट। आपकी संस्था में अभी तक कितना यूरिया खाद आ गया? आज सुबह 300 बैग अभी आया है 12:30 बजे और 500 एक सीधे प्रदाय में 800 बैग आया है अभी 12:30 बजे। कितने किसानों को ये खाद बढ़ सकता? ये 5 बोरी के मान से 160 किसानों को बढ़ जाएगा। मतलब आज की तारीख में खाद की समस्या हल हो गई? हाँ हाँ हो जाएगी, खाद की समस्या हल हो जाएगी। क्या नाम लिखते हैं? ओम प्रकाश राठौर। क्या है आप? समिति प्रबंधक। आज आप यूरिया खाद को लेकर आंदोलन करने वाले थे, तो क्या खाद आ गया? क्या खाद? हमने एसडीएम साहब से बात करी, उसके बाद पुलिस प्रशासन भी लगी रही ताकि ये किसान आंदोलन न कर पाए। हम प्रशासन और एसडीएम साहब के बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने हमारी इस मांग को, यूरिया की समस्या को हल करा और 800 बोरी यूरिया सेगांव सोसाइटी में आ गया है और हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे एसडीएम साहब और पुलिस प्रशासन और सीआईडी की तरफ से भी इस बात की मांग होती रही कि यूरिया जल्दी ही आ जाएगा, आप आंदोलन ना करें, इसलिए आज का आंदोलन हमने खाद आने पर स्थगित कर दिया। क्या नाम लिखते हैं आप? धीरज मिश्रा, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, जिला उपाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।